So today I am going to discuss the difference between the PCC and RCC. So RCC और PCC के बीच में क्या difference होता है, इनको discuss करेंगे, इनकी properties की discuss करेंगे. So अगर आपको ये video पसंद आएगी तो please like, share and subscribe जरूर करें. So देखते हैं. So PCC stand for plain cement concrete. ठीक है. So अगर आपको कोई पूछता है कि PCC का perform क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि it is a plain cement concrete. अब ये प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट होता क्या है? सो इट इज अ हार्डन मास ऑब्टेन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर इन डिफिनेट प्रोपोर्शंस. क्या हुआ कि सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर को क्या किया, डिफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स किया. मिक्स करने पर जो हार्डन मास आपको मिला वो है आपको क्या कहलाया, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट. सो अगर आप पिक की बात करें तो ये आप देखिए, ये आपका सीमेंट है. ठीक. फिर हमने बात किया सैंड, तो ये आपको सैंड दिख रहा है. देन एग्रीगेट एंड देन वाटर. सो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर को आपने डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स किया. मिक्स करने पर आपको क्या मिला, प्लास्टिक मास मिला. ठीक है. सो अब प्लास्टिक मास जब आपका हार्डन हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट. अब इस पीक में आपको दिख रहा है यही आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, या आपको इसको नॉर्मली बोल रहे कंक्रीट है, बट ये किस स्टेट में, ये आपका फ्रेश स्टेट में है. किसमें स्टेट में है, ये आपका फ्रेश स्टेट में है. ठीक है. जब ये हार्ड हो जाएगा तो हार्डन स्टेट में आ जाएगा. ठीक है. अब अगर पीक में बात करें तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स वगैरह भी आपको विजिबल हो रहे होंगे. तो याद रखिए, अगर हायर स्ट्रेंथ की बात करें कॉन्क्रीट की, तो वहां पे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर से काम नहीं चलेगा. वहां पे आपको कुछ एडमिक्सचर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा. अब एडमिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, मिनरल एडमिक्सचर और केमिकल एडमिक्सचर. मिनरल एडमिक्सचर की बात करें तो आपका फ्लाई ऐश हो गया, सिलिका फ्लूम हो गया. केमिकल एडमिक्सचर की बात करें तो अलग अलग केमिकल्स वगैरह, सुपर क्लासेज वगैरह आपको आते हैं. ठीक है. सो बेसिक फंडामेंटल क्या हुआ कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ द सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर का मिक्सचर हुआ. ठीक है. अब इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. सो प्रॉपर्टीज की बात करें, सो प्लेन सीमेंट कंक्रीट, अगर कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत अच्छी होती है. इट हैज गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बट वेरी लिटिल टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होती हैं वो क्या होती है, बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, वेरी लो होती है. ठीक है. सो और द यूनिट वेट ऑफ पीसीसी is 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ये किसमें गिवन है, IS 456/2000 में मेंशन है कि द यूनिट वेट ऑफ RPCC is 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर बीम है और उस पर अगर लोड आ रहा है, तो जब लोड आएगा तो वहां पे क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस भी आएंगे और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी आएंगे. ठीक है. सो टेंसाइल स्ट्रेस को कंक्रीट क्या करे, बियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेंसाइल कंक्रीट की वेरी लो होती है और किस में स्ट्रांग होता है, कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है. तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को तो कंक्रीट बियर कर लेगी, बट टेंसाइल स्ट्रेसेस को बियर नहीं कर पाएगी और वहां पे क्या होगा, फेलियर हो जाएगा. सो अगर कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रिइंफोर्समेंट करना पड़ेगा. ठीक है. तो उसको हम देखते हैं आगे. तो उसके लिए क्या आया, आरसीसी, दैट इज आरसीसी स्टैंड फॉर रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट. तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट. सो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट हैज वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो मैंने ऑलरेडी बताया कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट किसमें स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन. ठीक है. अब मैंने बताया था कि किसमें वीक होता है, टेंशन में वीक होता है. तो अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाना है कंक्रीट की, तो उसमें कुछ रिइंफोर्समेंट देना पड़ेगा. सो टू इंप्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, द रिइंफोर्सिंग स्टील इज प्लेस्ड इन द फॉर्म एंड फ्रेश कंक्रीट इज पोर्ड अराउंड इट. दिस सॉलिडिफाइड कंपोजिट मास इज कॉल्ड एज रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट. ठीक. तो देखते हैं, देखिए आप यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये कॉन्क्रीट है. ठीक है. और ये आपको क्या है, स्टील है. ठीक है. मैंने क्या किया, कंक्रीट में स्टील को क्या प्लेस किया, प्लेस कर दिया. तो फिर ये दोनों का जो कंपोजिट मास जो आपको मिलेगा, वही आपका क्या होगा, कंपोजिट मास जो होगा आपका, ठीक है, वही आपका क्या होगा, इट इज रिइंफोर्स्ड
सीमेंट कॉन्क्रीट, और इसको इसका एब्रिविएशन क्या होता है, इट आरसीसी होता है, ठीक है। एंड द यूनिट वेट, अगर यहाँ पे बात करें यूनिट वेट आरसीसी के कितना होता है, दैट इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये किसमें गिवन है, आईएस 45 2000 में मेंशन है, ठीक है। सो अगर आपको रिइंफोर्समेंट की बात करें तो रिइंफोर्समेंट जनरली क्या होता है, हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टील और कॉन्क्रीट का जो बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, परफेक्ट होता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इस पर बेस्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्क्रीट इज, और ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्क्रीट किसमें स्ट्रांग होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और टेंशन में क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट्स ऑप्शन बी, स्ट्रांग गुड इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आईएस 45 2000 व्हाट शुड बी द यूनिट वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो आईएस 45 2000 में क्लॉज है 19.2, इसी में अगर फर्दर जाएंगे क्लॉज 19.2.1, इसमें अगर आप जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिट वेट ऑफ प्लेन कॉन्क्रीट एंड रिइंफोर्स कॉन्क्रीट मेड विथ सैंड एंड ग्रेवल और क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट मे बी टेकन एज 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। तो यूनिट वेट प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट कितना होता है, दैट इज 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज ऑप्शन बी, जो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरसीसी वॉज डेवलप एंड फर्स्ट यूज बाय, 2017 का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा आरसीसी जो डेवलप किया किसने किया था, फ्रैंकोइस कॉग्नेंट में क्या किया था, इसको डेवलप किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इन केजी पर मीटर क्यूब इज, ये क्वेश्चन तीन बार पूछा जा चुका है, 2016 में, 17 में, 18 में। सो ऑलरेडी हम इस क्लॉज को डिस्कस कर चुके हैं, तो आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है, दैट इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या 2500 केजी पर मीटर क्यूब कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है। ये भी रिसेंटली जेके डबल एस बी जेई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें पूछा गया प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट का कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं है। सो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट होता क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, इनका मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, सीमेंट है, वेरी गुड, वाटर भी ठीक है, एग्रीगेट भी ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड है। देखिए यहाँ पे नेसेसरी पूछा गया, देखिए अगर आपको सीमेंट कॉन्क्रीट बनाना है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, तो ये एसेंशियल पार्टी तो होना ही चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड ये आपका केमिकल एडमिक्सर है। So, यहाँ पे नेसेसरी नॉट अ नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, कैल्शियम क्लोराइड। थैंक यू, होप ये आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।